देवियों और भाइयों, असल बात आप लोग, मैं देखा मैंने सुबह से आप बहुत कुछ गुजर चुका है आप लोगों के ऊपर से, तो आप ऐसा समझना है कि ये जो बातचीत है जैसे एक लेक्चर के बाद में चाय सुट्टा ब्रेक होता है ना, वैसे ही रखेंगे इसको, कहीं पे भी कुछ भारी नहीं होने देंगे। और एक कन्फेशन करना था मेरे को कि आज से करीब 16 साल पहले मैंने IIT की तैयारी करी थी। 16 साल लग गए आज पहली बार किसी इंस्टीट्यूट में घुसने में। थैंक यू। अब आप अपने आसपास देखोगे, अगर जितने भी आपके गर्लफ्रेंड से लेके बॉयफ्रेंड तक, गेस्ट लेक्चरर से लेके प्रोफेसर्स तक, हर कोई कुछ ना कुछ ज्ञान टिका रहा है आपको, कोई ना कोई ऐसी चीज़ बता रहा है कि लाइफ चेंजिंग चीज़ें हैं। मतलब MBA कर लो, IIT दिल्ली से MBA कर लो, मार्केटिंग में MBA कर लो, आजकल प्लेसमेंट भी अच्छा हो रहा है, इस टाइप की चीज़ें टिकाते रहते हैं। अगर इन सारे लोगों की जो आपके चारों ओर जो लोग हैं वो आपको, आप उनकी बातें मान लो, तो करीब 200 साल की ज़िंदगी छोटी पड़ेगी उस सारी चीज़ों को पूरा करने के लिए। अब बचपन से जब मैंने देखा कि मेरे चारों ओर लोग केवल ज्ञान दे रहे हैं और उपदेश टिका रहे हैं, तो मुझे लगा कि कोई भी आदमी, आम आदमी इस दुनिया में जो सबसे बड़ी चीज़ अचीव कर सकता है वो ज्ञान देने का कर सकता है, उपदेश देने का दे सकता है। तो थैंक यू IIT दिल्ली की पूरी टीम को कि उन्होंने मुझे वो काम करने का मौका दिया जो काम करने के लिए कोई भी धरती पर पैदा होता है। तो खैर, आगे ये तो सब हंसी मजाक हो गया, आगे बातचीत फॉर्मेलिटी पे थोड़ा मैं ले आता हूँ कि मैं जो कुछ भी कहूँगा झूठ कहूँगा, झूठ के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। असल में हिंदुस्तान और दुनिया की जैसी हालत है, यहाँ पे आप सच को सच की तरह बोल ही नहीं सकते, स्पेशली दिल्ली में सच को सच की तरह बोलो तो थोड़ा इंटॉलरेंट सुनाई पड़ता है। तो और आजकल जो ऑनलाइन कई सारे झूठ फैशन में हैं, तो मैं कुछ एक झूठ से आपको बताता हूँ, जैसे कि 10 थिंग्स सक्सेसफुल पीपल डू फर्स्ट इन देयर मॉर्निंग, 12 थिंग्स टू डू एट योर फर्स्ट डेट, 13 थिंग्स नॉट टू डू एट योर फर्स्ट डेट, ब्ला ब्ला ब्ला, 8 हैबिट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल, 9 हैबिट्स ऑफ हाईली अनसक्सेसफुल पीपल। ये सारा का सारा गेम ऐसे ही चलता है मीडिया में। आप दिन भर बहुत सारी चीज़ें ऐसी एनकाउंटर करते हो जो कोई और ड्राइव कर रहा है, आप 10 में से 8 चीज़ें वो पढ़ते हो जो कोई आपको ज़बरदस्ती पढ़ाना चाह रहा है इस टाइप की, और बहुत ही लाइफ चेंजिंग। अब दिक्कत क्या है कि ना मेरे पास कोई ऐसे पॉइंटर्स हैं, ना मैंने कुछ लाइफ में ऐसा उखाड़ लिया है कि मैं ऐसा आपको आके बहुत लाइफ चेंजिंग बात बता पाऊँ, स्टीव जॉब्स की तरह 3 पॉइंट बताऊँ और मैं उसको रिलीजियसली फॉलो करूँ, आप लोग आपकी लाइफ सॉर्टेड हो जाए, ऐसा कुछ है नहीं मेरे पास। मेरे पास ले देखे कुछ एक बातें हैं जो अपनी कहानी जैसा है। और दिक्कत क्या है ना, MBA वाले कॉलेज में बोलने में एक दूसरी की आती है कि MBA वाला जो MBA में पहुंच जाता है वो पहले से ही बहुत कुछ जान चुका होता है जीवन के बारे में, उसको और कुछ बताना, मतलब आप जैसे MBA ज्वाइन करते हो उसके एक महीने के अंदर आपको समझ में आ जाता है कि इस दुनिया में जिन लोगों ने कुछ वर्थवाइल किया है वो सारे के सारे कॉलेज ड्रॉप आउट थे, लेकिन फिर भी आप 2 साल कर लेते हो। ऐसी चलती हैं चीज़ें, ऐसी चल रही हैं। तो अब अपना मेरे पास कुछ ऐसी बात है तो मैं एक आपको एक कहानी सुनाता हूँ, वर्क ऑफ फिक्शन है, जो सब कुछ झूठ है, उसमें कुछ भी सच नहीं है, एक रत्ती भर भी सच नहीं है। कहानी का नाम है हिंदी मीडियम टाइप, PPT उड़ा दी, चलिए क्या कोई बात नहीं, वो जरूरत पड़ेगी तो मैं बता दूंगा। तो अब हम सभी लोग बचपन में हम सभी ने मैथ्स के सवाल सॉल्व किए, तभी हम लोग यहाँ बैठे हैं ऑब्वियसली। तो जब आप सवाल सॉल्व करते थे तो वहाँ पे एक x की वैल्यू होती थी, कि मान लेते थे कि इसकी वैल्यू x है, और फिर धीरे धीरे वो सवाल अपने आप को सॉल्व करना शुरू कर देता था, पहले हमें मानना पड़ता था। लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें आपको माननी पड़ती हैं पहले, तब जिंदगी धीरे धीरे अनफोल्ड करती है अपने आप को। तो और इसी वजह से हम लोग को लाइफ जो सपने दिखाती है ना वो लॉजिकल नहीं होते, मैथ्स के सवाल की तरह नहीं आते, कुछ भी सपने आ जाते हैं, कुछ भी हम लोग कुछ भी वियर्ड सोच लेते हैं, किताब लिखना कुछ भी, मतलब इस तरीके का। तो जो मान लेता हूँ, जो एक कहानी है मेरी, उसमें जो एक्स है वो दिव्य प्रकाश दुबे है, ठीक है। और कहानी फिर शुरू से शुरू करता हूँ, जिस दिन मैं पैदा हुआ उस दिन मेरे फादर का रीशफल होके PCS का रिजल्ट आया था, गलती से DPSP में उनका सिलेक्शन हो गया था। तो जब DPSP में सिलेक्शन हो गया तो एक फूफा नाम की जो प्रजाति होती है घर पे, तो उन्होंने कहा कि यार दुबे जी, ये लड़का तो बड़ा लकी है, अब इसके जो DPSP DRP उठाते हैं और इसके हिसाब से कुछ नाम होना चाहिए ताकि ट्रिब्यूट रहे, याद रहे कि आपका उस दिन DPSP में सिलेक्शन हुआ था। तो उनको जो सबसे अच्छा नाम फैंसी सूझा उस समय वो था दुर्गा प्रसाद।
तो किसी दूसरे रिश्तेदार ने सजेस्ट किया, उन्होंने शायद एमबीए वगैरह कर रखा, तो उन्होंने कहा यार दुर्गा तो देवी प्रसाद सॉरी दुर्ग देवी प्रसाद, तो उनको लगा कि यार ये तो बड़ा ही ग्लोबल टाइप का नाम हो रहा है, थोड़ा स्पेसिफिक होना चाहिए, कौन सी देवी। तो उन्होंने कहा कि इसका नाम दुर्गा प्रसाद रखते हैं, डी और पी वो भी सेम हो जाएगा और हिसाब से रख देते हैं। वो तो भला हो, जिस नर्सरी में जब लोग मेरा एडमिशन कराने गए तो जो टीचर थी उसने मेरा मासूम चेहरा देखा और कहा कि धोबी जी कहाँ से दुर्गा प्रसाद लग रहा है आपको। तो उन्होंने फिर एक हिंदी का लेखक टाइप एक नाम चमका उनको और उन्होंने दिव्य प्रकाश दुबे नाम रख दिया। यहाँ तक भी ठीक था, असल बात दिक्कत क्या होती है, जब आप दिव्य को इंग्लिश में लिखते हो फॉर्म पे तो वो दिव्य हो जाता है, जैसे योग का योगा हो गया, जैसे सिद्धार्थ का सिद्धार्थ हो जाता है, जैसे राम का रामा दशरथा। तो जैसे ही वो दिव्या हुआ, इतने प्रिकॉशन के बावजूद मेरे को स्कूल भर मेरे बहुत सारे दोस्त दिव्या दिव्या कह के चिढ़ाते रहे। अब जो ये मेरा नाम इंग्लिश के चक्कर में बेकार हुआ था, इसका बदला मैं इसीलिए मैं इंग्लिश में नहीं लिखता, इसका बदला मैं आज तक निकाल रहा हूँ उनसे। खैर, तो जब अगले फेज में आते हैं, जब मैं क्लास थर्ड में था तो हमारा ट्रांसफर गाजियाबाद से, यहाँ से पास में ही है गाजियाबाद से हरदोई एक छोटी सी जगह है लखनऊ से 110 किलोमीटर दूर, वहाँ पे हुआ। और अब आप लोग एमबीए कर रहे हो, आप ये जानते हो कि दो शहरों के बीच की दूरी, जिनकी 110 किलोमीटर की दूरी होती है, वो केवल 110 किलोमीटर की दूरी नहीं होती, वो दूरी कुछ एक सालों की होती है इन टर्म्स ऑफ बेसिक एजुकेशन, हॉस्पिटल फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी। तो एकदम से ऐसा हो गया कि मैं वहाँ पे गाजियाबाद में अच्छे खासा बड़े स्कूल में था और एकदम से यहाँ पे कोई स्कूल ही ना मिला। तो इन लोगों ने जब कुछ नहीं मिला और सेशन बहुत लेट था तो मेरा नाम एक संस्कृत शिशु मंदिर में लिखवा दिया। और आप ऐसा समझ लो कि संस्कृत शिशु मंदिर और एक कॉन्वेंट या इंग्लिश मीडियम स्कूल के बीच का फर्क कितना होता है, जैसे कि एक डेवलप्ड नेशन और डेवलपिंग नेशन का जितना फर्क होता है। तो वैसे मैं एक दुनिया में आ गया। अब यहाँ पे मास्टर लोगों को आचार्य जी बोला जाता था, जो प्रिंसिपल थे उनको प्राचार्य बोला जाता था। हुआ क्या कि जब रोज प्रार्थना होती थी और कई सारी उसके बाद की डेली रिचुअल होती थी, तो फिर हमें रोज हमारे प्रिंसिपल साहब बताते थे, प्राचार्य जी बताते थे कि देखिए दुनिया में जो सारी लड़कियां हैं इनको आपको बहन की नजर से देखना चाहिए। हालांकि मैं क्लास थर्ड में था, लेकिन फिर भी एक दिन मैंने पूछ ही लिया, मैंने कहा सर एक बात बताइए कि अगर हम दुनिया की सारी लड़कियों को बहन की नजर से देखेंगे तो हम शादी किससे करेंगे। और इस बात पर उन्होंने जवाब सड्डी मार के और फिर मुर्गा बना के मेरे को दे दिया उसके 10 मिनट बाद ही। इस पूरे उससे मेरे को पूरी नफरत हो गई, इस पूरे सेटअप से, पूरे सिस्टम से। आप में से पता नहीं कितने लोग, अभी सर ने, मैं जब आया था तो गवर्नमेंट स्कूल की बात की थी, अब पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों ने गवर्नमेंट स्कूल देखा है। मैं जैसे स्कूल से 12th पढ़ के पास हुआ, वहाँ की एक महीने की फीस थी 1.80 रुपये, और क्लास में 92 लोग थे जिनमें से 32 लड़के ऐसे थे जो अपना नाम इंग्लिश में नहीं लिख पाते थे क्लास 12th में। और उधर दूसरी तरफ जब मैं स्कूल से घर आके कॉलोनी में खेलता था तो जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होते थे और वो बड़े खुशी से बताते थे, अरे यार हमारे तो एक बार हिंदी में बोलने में 10 रुपये फाइन पड़ता है। बहुत ही एक्सट्रीम दी दुनिया थी मेरे सामने। 12th का बोर्ड का एग्जाम हुआ, 92 में से 40 लोग फेल हो गए, हम 4 लोगों की फर्स्ट डिवीजन आई, फर्स्ट डिवीजन मतलब 60% के ऊपर, और ये उस स्कूल का पिछले 25 साल का सबसे अच्छा रिजल्ट था। तो खैर वहाँ से, अच्छा एक बात और, जब अगर मैं एक और डिस्क्लेमर दे दूँ इस कहानी में, अगर आपको लगे कि कहानी सीरियस हो रही है तो आप ये मान लीजिएगा कि सब झूठ है। हजारों सरकारी स्कूल जो हिंदुस्तान के, उसमें पढ़ने वाले जो लाखों बच्चे हैं वो सब झूठ हैं, वो एग्जिस्ट नहीं करते। अब खैर जिस स्कूल में पढ़ के पास हो, तो उसके स्कूल के बच्चों का जो सबसे बड़ा सपना था वो था किसी सरकारी ऑफिस में क्लर्क हो जाने का, और ऐसा वैसा क्लर्क नहीं, ऐसा क्लर्क जिसकी खूब ऊपरी कमाई होती है, वो होता है असली क्लर्क। जब 12th कर लिया तो पहली बार पता चला कि आई से IIT भी होता है। तो उसके बाद मैं शाहजहांपुर से लखनऊ आया वो करने, जो किए बिना किसी भी, जैसे आप कस्टमर लाइफ साइकिल पढ़ते हो ना, ऐसी एक स्टूडेंट लाइफ साइकिल होती है, और हिंदुस्तान में स्टूडेंट लाइफ साइकिल बिना कोचिंग के पूरी नहीं होती। तो खैर मैं कोचिंग करने आ गया। अब 12th तक टिपिकल हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ लड़का जब कोचिंग करने आया, तो वहाँ पे वो कंडक्टर बोलते थे समझ ही नहीं आता था ये क्या है, वो बोलते थे ग्रेविटी समझ ही नहीं आता था क्या है, वो हम लोगों ने हिंदी में पढ़ रखा था। और मेरे को इतना गुस्सा आया कि मैंने घर पे अपनी मम्मी को बोला कि जब मुझे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने का तुम लोगों में नहीं दम था तो मुझे पैदा ही क्यों किया तुम लोगों ने। और खूब गुस्सा, और एकदम से पूरी दुनिया से, देश समाज दुनिया सिस्टम सबसे नफरत हो गई, और स्पेशली फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के अलावा मैं दुनिया में कुछ भी पढ़ सकता था, चाहे वो पकौड़े के नीचे का कागज हो। और इसके बाद जब ये पूरा मोहभंग हो गया मेरा लाइफ से, तो मैंने उस साल रजनीश की करीब 30 किताबें पढ़ी होंगी एक साथ। जब मैं
जेई की तैयारी कर रहा था, जिस तैयारी की वजह से यहाँ नहीं पहुंच पाया, 16 साल लग गए। तो 30 किताबें और 2-3 किताबें विवेकानंद की पढ़ी होंगी, और साथ में टाइम पास के लिए मनोहर कहानियों से लेके, बाकी आपको नाम पता ही है, ग्रेशोबा और बाकी सब। तो अच्छा, जब मैं रनीश पढ़ता था तो उसमें रनीश में एक चीज़ टिपिकली रिपीट होती थी बार बार ओशो की किताबों में, कि इस दुनिया में दो कंकड़ भी एक जैसे नहीं है, हर आदमी अपने आप में यूनिक है। और इधर कॉलोनी में जो हमारे अंकल और आंटी थे, अंकल आंटी का मैं एक मिनट आपको दिखा दूं कि सम एवरेज, जैसे मेरे अंकल आंटी की शक्ल कैसी थी, हो सकता है आपके अंकल आंटी से भी मैच करती हो उनकी शक्ल। तो एक मिनट, अच्छा ओके। तो ये अंकल जो थे, इनकी खास बात ये थी कि इनको सारे कॉलोनी के लड़कों के कैट के परसेंटाइल याद थे, और आंटी को सारे बच्चों के बोर्ड में जितनी परसेंटेज आई है सब याद थी। जैसे कि मेरे 69.3 थे, तो कोई गलती से मम्मी बोल देती थी कि अरे दुबे जी के लड़के के 70% आया, तो करेक्ट कर देती थी, नहीं नहीं भाभी जी 70 नहीं 69.3 आए। तो इस टाइप का था माहौल। और ये वो अंकल थे जैसे वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपसे हमेशा ये बोलते थे कि बेटा तुमसे तो कुछ हो नहीं पाएगा, और दुबे जी को यही बोलते थे कि यार आपका लड़का आवारा निकलेगा, कुछ नहीं करेगा। अब एक साल खूब रजनीश पढ़ लिया आराम से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की हवा नहीं लगी, और जब अब आईआईटी के पेपर में रजनीश ने दबा दा था ना आ जाता है, तो ये तो नहीं कहूँगा कि सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं मेजॉरिटी में रहा एक साल बाद। और इसके बाद मैं एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंचा, और प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में जो पढ़ने वाले लोग होते हैं उनकी लाइफ में 3 ही चैलेंज होते हैं, बैक पहला, वो भी जिस जैसे आप कंप्यूटर साइंस से कर रहे हो तो इलेक्ट्रिकल में बैक लग जाएगी आप इंजीनियरिंग में पाओ। सेकेंड होता है ब्रेकअप, और थर्ड होता है प्लेसमेंट, जो कि होता नहीं है, बाकी दोनों चीजें हो जाती हैं। तो खैर, ये उसके बाद हुआ क्या कि कॉलेज में पहुंचे, पहले साल के अंदर मतलब सेकेंड ईयर तक पहुंचते पहुंचते 2 बैक लग चुकी थी इलेक्ट्रिकल में, कंप्यूटर साइंस से मैंने इंजीनियरिंग की थी, कंप्यूटर तो हाथ भी नहीं लगाया था जब तक, लग रहा था कि बड़ी सही चीज है, फ्यूचर है, ग्रोथ है, आजकल जैसे लोग आके बताते जाते हैं कि ये है फ्यूचर और इस तरीके का, ऐसे तब भी लोग हुआ करते थे अंकल वगैरह, तो उन्होंने बताया कि ये ले लो। अब 2 साल हो गए, 2 उधर बैक लग गई, इधर 2003 वो साल था जिस साल कोई मिल गया और जिस मूवी रिलीज हुई थी उस साल मेरा ब्रेकअप हुआ था, तो ऐसे ही मैंने याद रखा इन फिल्मों को। और ऐसा नहीं है तब प्यार व्यार इतना आसान नहीं था आजकल की तरह, ये व्हाट्सएप और टिंडर वगैरह नहीं था, तब लैंडलाइन हुआ करता था, आपको मम्मी की आवाज़ कौन सी है, बहन की आवाज़ कौन सी है और बंदी की आवाज़ कौन सी है आपको आइडेंटिफाई करना आपको आना चाहिए, ऐसा नहीं था आसान प्यार है आजकल की तरह जैसे मार्केट में चल रहा है। इसके बाद जब ब्रेकअप हो गया तो फिर एक बार वही हुआ जो 2 साल पहले हुआ था, सिस्टम समाज दुनिया से फिर विश्वास उठ गया, और इधर गलती से मैंने गौतम बुद्ध की एक आध किताबें पढ़ ली, और उनके हिसाब से और मेरे हिसाब से भी हमारा वर्ल्ड व्यू यही था कि इस दुनिया में दुख ही दुख है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो खैर, इधर मन लगना बंद हुआ तो मैंने उधर किताबें पढ़ना शुरू की जो पहले से भी आदत थी मेरी, कुछ भी जो मिल जाए और जो भी कोर्स का नाम, तो वो सब कुछ पढ़ने लगा, और रोज करीब 50 पेज 60 पेज टाइप का एक पेस बन गया और मजा लगा। गलती से कॉलेज में कल्चरल फेस्ट हुआ और वहाँ पे कुछ प्ले वगैरह होना था, तो कुछ दोस्तों ने कहा यार बुंदा तुम कहानियाँ वानियाँ पढ़ते रहते हो, किसी का उठा के कुछ बना दो यहाँ पे, और हमने ऐसे उठाया एक ज्ञान चतुर्वेदी करके एक राइटर है उनकी दंगे में मुर्गा करके किताब थी, उसमें से एक आध कहानी पूरी की पूरी चेप थी, मतलब अडेप्ट किया हमने अपने हिसाब से, तो क्योंकि उसमें डायलॉग नहीं थे तो हमने डायलॉग वहाँ के लोकल इशूज़ के हिसाब से उसको अडेप्ट किया, और बहुत ही सक्सेसफुल रहा। और पहली बार लगा कि एक लड़का जिसकी लाइफ में कुछ भी सही नहीं हो रहा, जिसके सारे पड़ोसी उसको भला बुरा बोल रहे हैं, सडनली आप आइडेंटिफाई करने लगे, एकदम से आपको पता चलने लगा कि अरे यार ये तो बड़ा सही है, आप जो लिखते हो उस पर ताली बजती है, बड़ा ही पावरफुल है, और एकदम से लगा कि कोई चीज़ मिल गई जैसे जो मैं इतने दिनों से ढूंढ रहा था, मजा आने लगा। फिर उसके बाद 4 प्ले लिखे कॉलेज में, क्यों लिखे क्या लिखे ये नहीं मालूम, मतलब बस ये पता रहता था लिखते टाइम कि हाँ यार यहाँ पे जब एक्टिंग जो करने वाला लड़का होता था उसको बोलते थे कि यार यहाँ पे ताली बजेगी पॉज लेना था, और बजती थी, ऐसा होता था। और इधर ब्रेकअप हो ही चुका था तो अगले 2 साल जो कटे वो ऐसे कटे जैसे एक फेज आता है ना, जैसे अब एक कस्टमर लाइफ साइकिल हो गई, एक स्टूडेंट लाइफ साइकिल हो गई, ऐसे एक लवर्स लाइफ साइकिल होती है। उसमें क्या होता है कि आप एक फेज के बाद गुलजार को कॉपी करते हुए कुछ एक पोएम्स लिखते हो, फूल पत्ती चांद सितारे वाले, तो जैसे गुलजार साहब बहुत अच्छा लिखते हैं कि मैं सिगरेट तो नहीं पीता लेकिन कोई पास से गुजरता है तो सिगरेट तो माचिस मांग लेता हूँ,
बहुत कुछ है मेरे अंदर जिसे मैं फूंक देना चाहता हूँ। तो इसी टाइप का आप भी लिखने लगते हो देख के कि बहुत कुछ है अंदर जिसे मतलब लाइफ में स्ट्रगल नहीं है तो बनाने पड़ते हैं। अब थर्ड ईयर बीता इसी सब अप एंड डाउन में, फाइनल ईयर तक समझ में मुझे आ गया था खेल कि ये गलत हो गया, इंजीनियरिंग तो है नहीं मेरे पास की और इसके बाद की नौकरी नहीं। और मैं इधर पहुंचा बनारस, वहाँ पे पोस्टिंग थी मेरे फादर की और हफ्ते भर वहाँ पे घाट में 80 पे जाके और बड़े आसान से सवाल, वाई आर बी हियर, ये सब सोचना थे इधर बैठ के, वॉट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ। पता नहीं आप लोगों के मन में ऐसे सवाल उठते हैं कि नहीं उठते हैं, लेकिन अगर मेरे को ये लगता है अगर लाइफ में एक बार अगर आप घर से नहीं भागे हैं या कोशिश नहीं की है या फिर एक आध बार मरने का नहीं सोचा है तब तक बहुत मुश्किल है कुछ वर्थवाइल आप अचीव करना। जो नहीं पढ़ते उन्हीं को मिलता है। तो खैर सर ये सब हो रहा था तो मेरे को एक चिट्ठी मिली इस जब हफ्ते भर बनारस रह के आया और मालूम था मेरे घर वालों को कि बहुत ही परेशान है लड़का, तो एक चिट्ठी मिली। तो मैं चिट्ठी हूबहू सुनाता हूँ जो मेरे को चिट्ठी मेरे फादर ने भेजी कि चिट्ठी ऐसे थी कि प्रिय बेटा ये चिट्ठी लिख रहा हूँ क्योंकि हर बात हम फोन पे नहीं बोल सकते, हम लोग कुछ बातें बस लिख के ही बोल सकते हैं। फोन पे जब तुमसे रोज पूछता हूँ कि पढ़ाई सही से हो रही है ना और तुम एक ही टोन में रोज जवाब दे देते हो हाँ पापा अच्छे से हो रही है, तब मन करता है कि तुमको बोलूं कि हफ्ते में एक दो दिन कोर्स वाली किताबें मत पढ़ा करो। एक बात याद रखना, अच्छे बच्चे वो होते हैं जो अपने घर वालों की सारी बातें मानते हैं, लेकिन सबसे अच्छे बच्चे वो होते हैं जो अपने घर वालों की सारी बातें नहीं मानते हैं। सारी बातें बच्चे मान ही नहीं सकते, सारी बातें केवल मशीन मानती हैं। कॉलेज से आवारा बन के लौटोगे तो एक बार को झेल लेंगे, लेकिन कॉलेज से मशीन बन के मत लौटना। ये सब तुमको इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हम हमेशा तुम्हारे दादाजी की सारी बातें मानते रहे, कभी कुछ मना नहीं कर पाए, घर के अच्छे लड़के बन गए लेकिन अपनी नज़र में बहुत अच्छे नहीं बन पाए। हो पाए तो कॉलेज में प्यार व्यार करने की कोशिश करना, एक आध बार दिल टूटे तो घबराना मत, और सबसे ज़रूरी बात कि प्यार प्यार देख के करना, कास देख के ना करना। अब बेटा सोच रहे हो कि पिताजी को क्या हो गया है, कहाँ इतनी लंबी चिट्ठी देख के सेंडी हो रहे हैं, तो यार ये जान लो कि पूरे कॉलेज हम तुम्हारे दादाजी की चिट्ठी का बहुत इंतजार किया है, वो चिट्ठी कभी आई नहीं, हमने जो इंतजार किया वो तुम्हें ना करना पड़े, इसलिए लिख दिया यार, जवाब भेजने की जरूरत समझना तो भेज देना, नहीं तो कोई बात नहीं, आशीर्वाद पापा। इस चिट्ठी के बाद मेरी थोड़ी हिम्मत हुई कि मैं घर पे बोल पाऊं कि यार ये सब नौकरी वोकरी मेरे बस का नहीं है, लेकिन फिर भी क्या होता है ना, इन्फीटीसीज जब आराम से नौकरियां दे रही होती हैं एक फेज में इस देश में, तो आप वॉकिंग वगैरह देने चले जाते हो वहाँ पे 1600-1700 की भीड़ में, और वो मैंने भी किया दिन भर बैठने के बाद, वहाँ वो पूछते थे 5 years डाउन द लाइन, अभी इतना बड़ा सवाल था समझ ही नहीं आता, 10 years कोई पूछ लेते तो पूछो ही मत। तो ये सब और मैं झूठ बोलना नहीं चाहता तो मैं सच बोल देता था कि भाई मेरे से होगा नहीं, देख लो अगर उससे काम चला पाओ तो। सच इंटरव्यू के सच और चलने वाले सच दोनों अलग अलग होते हैं, जो इंटरव्यू में चलते हैं सच और जो असली सच होते हैं दोनों अलग होते हैं। ये किसी भी एमबीए वाले को तो समझ में आ ही चुका होता है कि क्या बोल के लगेगी, ये नहीं बोलना है बिल्कुल। अब ये सब आप लोगों को नौकरी तो ये सब हुआ नहीं, इधर हुआ क्या कि फिर लगा कि अब ये तो है नहीं अपने लिए, तो सोचा कि कुछ नहीं समझ में आता हिंदुस्तान में आदमी का तो वो एमबीए की तैयारी शुरू कर देता है, मैंने वो कर दिया। इधर इधर कॉलोनी में भैया थे हमारे, उनकी एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी लखनऊ में, तो मैंने भी जरा स्टाइल में बोल दिया कि यार अब मैं लिखने विखने लगा हूँ और बड़े प्लेयर लिखे बहुत ताली वाली बस्ती है, तो उन्होंने ऐसे बोला कि यार एक स्कूल का एंथम सॉन्ग लिखना तुम लिख सकते हो क्या। तो मैंने पूछा कितने दिन का टाइम, बोला 2 दिन का टाइम है, मैं गया अपना 2 घंटे में और इतना पोएम वोएम अंदर जा चुकी थी और प्यार का वो पोएम वाला एक्सपीरियंस था ही, तो फटाक से 2 घंटे में पोइम लिख के उनको टिका दी और उन्होंने देखा और उन्होंने बोला कि नकल करके लाए हो क्या, कहा नहीं खुद ही लिखी है। वो गए अपने कमरे में पर्स निकाल के लाए और 1000 रुपये दिए और ये बोला कि यार देखो इस तुम्हारी पोइम से मैं 1,00,000 रुपये कमाने वाला हूँ, लेकिन 1000 रुपये तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ ताकि तुम ये जान जाओ कि तुम लिख के भी कमा सकते हो। वो इंजीनियरिंग के बाद की पहली कमाई थी 1000 रुपये, दिवाली में मम्मी पूजा वूजा करती हैं उसके भी 100 रुपये के 10 नोट थे वो। तो इसके बाद
भैया के लिए बहुत सारे ऐड लिखे, उन्होंने बहुत एक्सप्लॉइट किया, बहुत सारे ऐड फ्री में लिखा है, कुछ पैसे वैसे नहीं दिए, लेकिन उन्होंने वो चीज दी, लगा कि हाँ यार लिख के हो सकता है, एक जनता आपसे आइडेंटिफाई कर सकती है। सिम्बॉयसिस पहुंचा मैं वही करने जो आप लोग यहाँ कर रहे हो, और समझ में आ ही गया होगा महीने भर के भीतर ही आपको तो। लेकिन सिम्बी में जब दो प्ले लिखे और बहुत सारा कुछ, बस लिखते गया ये नहीं सोचा कि यार इसका मार्केट होगा कि नहीं होगा, इसको कोई खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, इसका क्या फ्यूचर है, ये सब चीजें मेरे दिमाग में आई नहीं। मुझे लगा कि यार बस अभी फ्लो में आ रहा है तो लिख लो सब। नौकरी में पहुंचा तो हर वीकेंड एक कहानी लिखता था, हर मंडे को 8 बजे के बाद ऑफिस में बैठ के गैंग को, मैं 7-8 लोगों को कहानियां सुनाता था। धीरे धीरे वो गैंग बढ़ने लगा और लोग फीडबैक देने लगे, और हर वीकेंड कर करके मेरे को लगा कि अरे यार ये तो, जब 15-20 वीकेंड हो गए तो लगा कि तो किताब हो गई पूरी, और फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे जुड़ के वो किताब बन गई। जब किताब आई तो सारे लोग खुश थे, वो सारे दोस्त खुश थे, कॉलेज के, मोहल्ले के, जिन लोगों ने एक भी अच्छी चीज़ नहीं सिखाई थी सिवाय दोस्ती के। घर पे सब लोग खुश थे कि लड़के की किताब विताब आ रही, बड़ा आदमी हो गया। अंकल आंटी घर आए, उन्होंने कहा कि भाई दुबे जी हमने तो पहले ही कहा था लड़का कुछ अलग करेगा। असल में कहानियां खत्म नहीं होती, किताब आ गई और कहानियां असल कई बार कहानी खत्म होने के बाद शुरू होती है। वो पास आए, उन्होंने किताब देखी और कहा कि यार ये तो तुम पढ़ने में कमजोर ही रह गए, तुमने तो किताब हिंदी में लिखी है और तुम तो बीटेक हो, सिम्बी से एमबीए हो, तुम्हें तो इंग्लिश में लिखना चाहिए था, उसका मार्केट है और ये और वो। अब मैं उनको अंकल को कैसे समझाता कि जो मैंने पहली लोरी सुनी थी वो मैंने हिंदी में सुनी थी, जो मैंने पहला प्यार किया था वो मैंने हिंदी में किया था, और हिंदी मेरे को स्कूल में हिंदी मेरे को मम्मी ने पुचकार के प्यार से सिखाई थी, और इंग्लिश मेरे को डंडा मार के माँ साहब ने सिखाई थी स्कूल में, तो मैं ये समझा नहीं पाया अंकल को। खैर अब मैं जिस माहौल में नौकरी करता हूँ, जहाँ पे करता हूँ वहाँ पे लोग ऐसे ही हैं जैसे आप लोग, वो वैसे लोग हैं जैसे आप लोग कैंटीन में बात करते हो, ऐसे ही लोग हर जगह नौकरी कर रहे हैं, तो ये सारे लोग किसी लैंग्वेज के एक्सपर्ट नहीं है, फिर भी अपना काम चला ले रहे हैं, और वही मेरी लैंग्वेज है जो मैं किताब में लिखता हूँ, जो कैंटीन वाली भाषा है, जो कान में धीरे से कहने वाली भाषा है, वो वैसे ही है जैसे एग्जिस्ट करती हैं। अब जैसे कहानी विद्या का समय, हम सभी ने पता नहीं आपने खाई है कि नहीं खाई है कभी विद्या कसम, कॉपी कर जाती थी हम छू के बोलते थे। अब विद्या कसम को मैं कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दूं, अगर भले उससे लाखों कॉपीज बिक जाएं तो भी क्या, वो नहीं हो पाएगा, वो वैसे ही एग्जिस्ट करता है हमारे आसपास। और कहानियां ऐसे ही है मेरे लिए जैसे किसी आसपास वाले से बात करने का मन किया और उससे बात हो गई, इतनी सी बस बात है। किताब के बाद बड़े सारे लोगों का आता है कि यार आपकी किताब हमारी हिंदी की पहली किताब है, कुछ और किताबें बताओ। और एक्चुअली मेरा काम यही है कि हम जो हिंदी का जो बहुत अच्छा लिटरेचर है, और वर्सेस जो बिल्कुल नहीं पढ़ते, जैसे आप लोग हो, मुझे लगता है शायद घर में पेपर आता होगा जहाँ के आप हो, हिंदी आता होगा या ऐसा हुआ, बट आप लोगों के घर में किताबें बहुत कम होंगी जो भी रीजनल लैंग्वेज आप, मराठी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, जो भी हो। तो हमारी कोशिश यही है कि हम उस लैंग्वेज के उसको ब्रिज को कनेक्ट कर पाए। अब होता क्या है, जैसे हमारी सोसाइटी में एक तरीके का स्टीरियोटाइप है कि जो बीटेक हो वो आईआईटी से हो, और एमबीए हो वो आईएम से हो या आईआईटी से हो, और उसके बाद सिम्बी से भी हो, या फिर जो थर्ड है कि उसके बाद आपने 8-10 साल काम किया, फिर एक कॉलेज के रोमांस पे किताब लिख दी एंड यू आर सॉर्टेड कि अपना फलाना बेस्ट सेलर हो गई हो। अब मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं, आईआईटी जानती हो 16 साल लग गए, आईएम तब इतने खुले भी नहीं थे, और किताब भी मैंने हिंदी में लिख दी, और वो भी रोमांस पे नहीं लिखी, ऐसे ही आसपास के लोगों की किताब लिखी, लेकिन फिर भी मेरे को ऑडियंस मिल गया, फिर भी एक बहुत बड़ी जनता मिल गई जो कहानियां पढ़ती है, शेयर करती है। और बहुत लोगों के मन में अभी आपके भी सवाल होगा शायद कि यार ये सब लिख के कमा कितना लेते हो, तो उसका जवाब ये रहा जो ये नेक्स्ट स्लाइड है कि मैं क्या कमा लेता हूँ इससे। बाकी तो पढ़े लिखे लोग हो ही आप लोग, पढ़ ही लोगे। और ये ऐसा रिस्पांस मेरे को हर हफ्ते में 3 या 4 बार आता है कि जहाँ पे जो शेयर है घर में बुक का, अगर आप 10 किताबें साल भर में खरीद रहे हो, अगर आप 3 किताबें भी अपनी रीजनल लैंग्वेज की जो भी है आपकी, मराठी, तमिल, तेलुगु करने लगो, तो शायद 10 साल बाद कुछ बात बने। मैं एक और चीज़ बता दूँ, जैसे हम लोग 2 कौड़ी का बीटेक होने के लिए लाइफ के 5 साल लगा देते हैं, 4 साल इंजीनियरिंग के और 1 साल कोचिंग का कम से कम, और वो ब्रिलियंट ट्यूटोरियल और वो सब आता था, वो अलग था पुराने जमाने में। एक एवरेज एमबीए होने के लिए हम लोग 2 साल प्लस 6 महीने का वो जो
कैट जो कोचिंग कोचिंग वाले जो आते हैं करियर लॉन्चर और वो सब करके 3 साल हम लगा देते हैं राइटर होने के लिए। मुझे लगता है चाहे आप एवरेज से एवरेज भी राइटर होने के लिए कम से कम 10 साल मान के चलना चाहिए तब कुछ होगा। वो डॉक्टरी की प्रैक्टिस जैसा है कि 10 साल बाद अगर आप है तो है, वरना एक दो किताब तो देखो यार हर किसी के पास है, कोई भी लिख सकता है ना। इतने किस्से तो हर किसी की लाइफ इतनी अनइवेंटफुल लाइफ तो भगवान ना बचाए, भगवान ना करे आपके साथ ऐसा हो कि एक किताब लिखने भर की आपकी जिंदगी में चीजें नहीं हुई हैं। नाम आपको कुछ नहीं करना, अपनी बात लिखनी है, बाद में कंट्रोल एफ करके चेंज कर देना है नाम, तो बहुत आसान है लिखना। अब खैर जो सारी बात थी हिंदी में लिखने की, जो मेरे को पहले से सपने आते थे कि हम लोग ये कर देंगे, चेंज कर देंगे और ऐसा कुछ होगा कि एक बड़े सारे लोग उसको पढ़ने लगेंगे, एक जो बड़े जो पढ़ने लगेंगे, इसमें सारी की सारी बात यह है कि मेरे को ये नहीं पता था ना कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ अंदाजा नहीं था कि क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक निपट गई चीज तो मुझे लगता है। और मेरे को ये पता चल गया था ना कि यार क्या नहीं करना है लाइफ में, एक चीज की यार ये सॉफ्टवेयर नहीं लिख पाऊंगा चाहे जो भी हो जाए। तो आपको कई बार जैसे लाइफ में मैथ्स के सवाल की तरह जब समझ में आ जाता है कि ये रास्ता नहीं जाना है तो उस दिन आपकी लाइफ सॉर्टेड हो जाती है। होता क्या है MBA कॉलेज में या किसी BTech के कॉलेज में जहाँ पे कंपनीज प्लेसमेंट के लिए आती हैं, 2 लाख रुपए साल भर के पैकेज एक्स्ट्रा के लिए आपके जिंदगी के फंडे बदल जाते हैं, है ना। कोई आप सोचते हो कि मैं टेलीकॉम में काम करूंगा, एकदम से FMCG कोई ज्यादा दे देती है, आप सब कुछ अरे यार कर लेंगे यार चले जाएंगे यार मिर्जापुर, है ना। ये बहुत ही दुधारी तलवार है जब भी आप चूज करो। आई एम श्योर आप में से जो लोग अच्छा करेंगे वो लोग नौकरियां करेंगे, जो लोग बहुत अच्छा करेंगे वो लोग नौकरियां देंगे, और जो लोग उससे भी अच्छा करेंगे वो लोग किताब किताब लिख मारेंगे। तो आप जब लाइफ में कभी किसी हिंदी मीडियम टाइप या मराठी मीडियम टाइप या तमिल या तेलुगु मीडियम टाइप किसी भी लड़के से मिलिएगा तो एक बार को एक मिनट को रुक के ये कहानी सोचिएगा कि इसका अभी तक का सफर इतना भी आसान नहीं रहा है, और जो सफर आसान होते हैं वो मजेदार भी नहीं होते हैं। एक बार को रुक के ये कहानी रिमाइंड करिएगा। और बस एक आखिरी चीज कि एज अ सोसाइटी असल बात होता क्या है कि हम लोग इतना बम्बार्ड है मीडिया से, हर तरीके के सोशल से लेके न्यूज़पेपर से लेके, हम लोग को अखबार पढ़ने की जो आदत है, ये दुनिया इतनी भी बुरी है नहीं जितनी रात में न्यूज़ और डिबेट में दिखती है, जितनी फेसबुक पे दिखती है। वो बड़ा प्रॉब्लम है एक्चुअली, उसके बियॉन्ड आप देखिए कभी तो आपको समझ में आएगा। एज अ सोसाइटी जब आप उन लोगों को मिलेंगे बात करेंगे जो इंग्लिश नहीं बोल पाते, तब आप समझेंगे कि दुनिया इतनी, हमारे देश की हालत बुरी तो है लेकिन इतनी भी नहीं है कि इसको संभाला ना जा सके। और उम्मीद है कि आप में से कोई ना कोई अपनी रीजनल लैंग्वेज में कभी कोई किताब लिखेगा और मुझे पढ़ने के लिए भेजेगा 1-2 साल में 5 साल में जब भी आप लोग लिख लें। और वैसे एक आखिरी चीज़ की अगर कोई आपके सवाल है तो आप पूछ सकते हो, वैसे भी असली सवाल के जवाब यहाँ या कोई भी लेक्चर मेरे या मेरे बाद भी नहीं दे पाएगा, वो सवाल के जवाब आपको अंदर से मिलेंगे नहीं तो बनारस में मिलेंगे, तो वो आप सोच के। और कोई भी ये नहीं पूछेगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ। थैंक यू।